ये स्टार्ट वाला खोला, उसके पीछे की क्या कोई खास स्टोरी है या फिर ऐसे ही मतलब? यहाँ पे क्या आपको अलग क्या लग रहा है यहाँ? टेस्ट हर जगह बहुत टेस्टी, अमेजिंग, खाके मतलब मजा ही आ गया। मतलब चाट दिख जाता है लेकिन जैसे टुकड़ी चाट। अच्छा, और अच्छे से टेस्ट काफी अच्छा। और मुझे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शिवानी। तो अभी जो है मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। कुछ दिनों से जो है पटना में बहुत सारे चाय वाले, मैगी वाले जो हैं फेमस हो रहे हैं, तो अब जो है पटना में एक MBBS चाट वाले भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे MBBS का कुछ और ही मतलब है। अगर आपको मतलब जानना है तो इस वीडियो में बने रहें। और चलिए हम भैया से अब बात करेंगे और जानेंगे कि MBBS का फुल फॉर्म यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है। अपना नाम बताइए। प्रकाश नाम हुआ हमारा। तो ये जो आपने चाट वाला, MBBS चाट वाला खोला, उसके पीछे की क्या कोई खास स्टोरी है या फिर ऐसे ही मतलब? हाँ, स्टोरी तो है, बताइए हमें। एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि भाई ब्रांड देख के MBA चाय वाला, तो चाय सुट्टा बार ये सब ब्रांड देखते थे, तो MBA चाय वाले का जब उनका जब मैंने देखा ना, तो उसमें कहीं उसका फुल फॉर्म था मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद, तो मेरे को लगा यार अहमदाबाद आ गया, अपना बिहार किसी ब्रांड के अंदर दिख नहीं रहा, तो लग रहा था कि यार क्या किया जाए, कुछ ऐसा नाम क्योंकि नाम सोचा जाए जिससे हो ऐसा। तो MBBS आया हमारे दिमाग में ख्याल कि मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग करके कोई कंपनी हो सकता है जो कि MBBS के नाम से। और देखो कितना मतलब कम्बिनेशन ऐसा हुआ कि लोग बस इसी कंफ्यूजन में आते हैं कि भैया के MBBS आपने बहुत ही यूनिक नाम रखी है। बस हाँ, ये हमारा है, हमारा अपना फुल फॉर्म है, उनका अपना वाला है, उनका है। लोग क्या सोचेंगे इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, लोग की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अच्छा, तो यहाँ की कुछ स्पेशल वैरायटी? यहाँ की स्पेशल है टोकरी चाट, लोग बहुत प्यार से खाते हैं। समोसा चाट भी बहुत अच्छे से बहुत प्यार से खाते हैं। यहाँ जो भी आप खाओगे हम बेहतर खिलाएंगे, क्योंकि खिलाएंगे तो या तो बेहतर खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे, बस यही हमारा। जब आपके पेरेंट्स को आपने बताया तो वो मतलब आपके सपोर्ट में थे या फिर उन्होंने? नहीं नहीं, उनका ये है कि बाकी पेरेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पापा का ऐसा नहीं है कि बेटा तुमको यही करना है। पापा बोलते हैं बेटा तुमको जो करना है बस उस क्षेत्र में या फिर उस फील्ड में एकदम टॉप लेवल का जो भी करना होगा करना, तो फिर पापा हमेशा सपोर्ट में रहें। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैं तो यहाँ पे 4 बजे आ चुकी थी, क्योंकि मैंने आपका किसी वीडियो में देखा था कि आप 4 बजे यहाँ पे आ जाते हो, लेकिन हमें जो है काफ़ी वेट करना पड़ा आपके लिए। लेकिन तब से मैं देख रही हूँ, जब से ये शॉप खुला भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं, मतलब आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, बेहतर खिला रहे हैं ना, और लोगों को पता है कि नहीं भाई, देखो क्या होता है ना कि फूड सेक्टर में किसी भी चीज़ का आप जब स्टार्टअप करते हो, तो एक तो आप अपने टेस्ट को यूनिक रखो और टेस्ट की कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन रखो, तो बढ़िया टेस्ट दोगे, लगातार दोगे, तो फिर लोग आएंगे। और अच्छा खाना, अच्छा खाने को बहुत कम मिल रहा है, तो अच्छा। तो कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई हमने ग्रेजुएशन से करा, प्राइमरी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से किया था, JNV का स्टूडेंट था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया फिजिक्स ऑनर्स से, और 2018 में ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। लेकिन मैंने भी 2018 में ग्रेजुएशन क्लियर कंप्लीट होते लग गया था मेरे को नहीं करना है, तो 2018 से ही मैंने करना शुरू कर दिया। बस अलग अलग चीज़ें हुई, ये तो हमारा जो आप देख रहे हो छठा प्रयास है, होता है ना एक बार सक्सेस ना मिले फिर चलो, तो रुकना नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको जब तक सक्सेस ना मिले रुको मत, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं रुकोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब पहले तो आपको वो सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जो है आपको वो मिल रही है। मिल रही है, अब देखा जाए कि कब तक मिलती है क्या। नहीं, जरूर आगे मिलेगी भी कि बस अभी का जो करेंट सिनेरियो है यही है कि नहीं, लोगों का अच्छे सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग कर रहे हो, लोगों तक पहुँचा रहे हो कि देखो कोई इनिशिएटिव लेके आया है मार्केट में, तो चलो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।
वो तो हमारा काम है और हम करेंगे भी, और आप अच्छा कर भी रहे हैं, तो चलिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। और आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट कि आप जो है बिहार का नाम आगे इंडिया में जो है उसको और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो है कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें जो है यहाँ की चाट कैसी लगी। तो सर सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। आप से अक्षय। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये टिक्की चाट है। अच्छा, बहुत इंटरेस्ट बनाए भैया। तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है बाकी जगह? मतलब सब जगह से अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। और आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक पड़ेगा मैम। आपने कौन सा चाट ऑर्डर किया? सेम टिक्की चाट, और मैंने खाया चाट, मैंने पहले भूतनाथ में खाया था और यहाँ खाया, अंतर है, काफी अंतर है। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को जो है यहाँ का चाट कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी, अमेजिंग, खा के मतलब मजा ही आ गया। मतलब कौन सा डिफरेंट चाट जो है आपने? मेरा जो चाट है ना वो है समोसा चाट, यहाँ पे टोकरी चाट है, ये भी बहुत सही चाट है और इसका फीलिंग भी बहुत ज्यादा है, और हम लोग फर्स्ट टाइम खाने वाले हैं। बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे जो आपको यूनिक क्या लगा, क्योंकि नॉर्मली तो हमें चाट दिख जाता है लेकिन जैसे यहाँ टोकरी चाट? अच्छा, और अच्छे से जितना भी वो स्टफिंग डाल रहे हैं ना एकदम प्योर है, कुछ भी मिलावट सबसे बड़ी बात यहाँ का जो मतलब जितना भी सिस्टम है ना बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन मुझे लगा, और ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। नेचर फ्रेंडली है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, और बहुत कम जगह ऐसा रहता है कि साफ सफाई के साथ आपको कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा लगा। आजकल की जो जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देंगे? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम बनेंगे तो IAS IPS। बिल्कुल नहीं यार, जिस चीज में इंटरेस्ट है ना आपको वो बनना चाहिए, आपका जो दिल कहे वो बनना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो घर का जो आदमी होता है ना, खास करके पेरेंट्स, उनका पता नहीं क्या मतलब माइंड सेट रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तभी मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में इंटरेस्ट है उसमें जो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है ना उसमें जाना चाहिए, जिस चीज में आपका मन लगे इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती चले भी जाते हो तो आपको वहाँ पे दिल नहीं लगेगा, फिर आप छोड़ दोगे तो क्या ही फायदा है। सर आपको यहाँ के गुलाब जामुन कैसे? सो गाइस चलिए अब हम जो है यहाँ का चाट टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ का जो चाट है वो कैसा है और बाकी से जो है वो अलग कैसे। तो मैं जो हूँ यहाँ पे टोकरी चाट जो है वो टेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि पटना में मुझे इससे पहले कहीं और पे भी टोकरी चाट देखने को नहीं मिला है, तो मैं तो वही टेस्ट करूँगी। सो गाइस अब जो है मैं यहाँ का जो फेमस टोकरी चाट है वो टेस्ट करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि वो कैसा है। और इसका आप देख सकते हैं कि फिलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पूरा इसे भर दिया गया है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि अब जो बाकी चाट वाले उन्हें भी इनसे आके सीखना चाहिए कि टोकरी चाट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप भी यहाँ पे जब भी आइए तो टोकरी चाट ज़रूर टेस्ट कीजिए। सो गाइस मैंने यहाँ का जो है टोकरी चाट टेस्ट किया और मुझे वो काफ़ी पसंद भी आया, तो मैं यही कहूँगी कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की टोकरी चाट जो है वो ज़रूर टेस्ट करें। और अगर हम बात करें यहाँ के लोकेशन की तो वो है कंकड़बाग में नियर आस्था लोक हॉस्पिटल। सो गाइस अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।